ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में जो घटना हुई, जहां पर एक मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, झगड़ा हुआ वहां पर और पूरी ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी, उसके बाद इस बाबत मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, FIR दर्ज की गई थी जहांगीरपुरी थाने में। लेकिन इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग और परिजनों का ये कहना है कि पूरी घटना को दूसरी बिंदु से भी देखना चाहिए। इसी बाबत जहांगीरपुरी थाने पर पहुँचे थे स्थानीय लोग और मृतक के तमाम परिजन। उनका कहना था कि डॉक्टरों की तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। अगर समय रहते राजेश सोनी का इलाज हो जाता, उस पर अगर डॉक्टर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर ध्यान देते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सकती थी, ऐसा परिजनों का कहना है। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि पूरी जाँच एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ से भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही परिजनों ने इस पूरे मामले में बोर्ड पोस्टमार्टम की भी मांग की है। और तो मांग हम यही कर रहे हैं कि हमारा तो राज्य जो था वो तो खो गई। हम अब इसी मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्टरों की उनके ऊपर खिलाफ किया जाए कि ऐसी घटना क्यों करी, तो मेरे इंसाफ मिलना चाहिए। तो सीना में दर्द था ना, तो मैं गई थी और उधर उधर मोबाइल लेके लेडीज और डॉक्टर सब घूम रहा था, चिल्लाया तो बरचैनी जैसा बोल रहा था घंटा रुकने के लिए, तो फिर दो लगाया उसी जगह तो बताया गया। कई स्थानीय लोग, सैकड़ों लोगों के साथ मृतक के परिजन जो हैं वो जहांगीरपुरी थाने पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने इस बाबत एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, डॉक्टरों पर मेडिकल नेग्लिजेंसी का आरोप लगाया है और बोर्ड पोस्टमार्टम की मांग की है। हमने स्थानीय कुछ नेताओं से भी बातचीत की। ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये एक तरफों का इल्ज़ाम है। ये डॉक्टर अपने बचाव में कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि जब राजेश की मृत्यु हो गई तो उसका परिवार वहाँ पर रो रहा था, महिलाएं बिलख रही थी, उस समय गार्डों ने और डॉक्टरों ने उनके साथ बदतमीजी करके धक्का मुक्की की, जिसको लेकर के ये झगड़ा बढ़ा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज केजरीवाल जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अस्पताल का सुधार कर रहे हैं, वहाँ गरीब आदमी को अस्पताल में दवाई के बदले पिटाई मिल रही है और पुलिस का मुकदमा मिल रहा है। ये काम इस अस्पताल में रहा है, वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, डॉक्टर की लापरवाही से जब वो पेशेंट राजेश हार्ट का पेशेंट था तो उसको किस विधा पर इन्होंने ठीक घोषित करके, स्वस्थ घोषित करके छुट्टी कर दी, फिर दोबारा क्यों वो एडमिट हुआ, क्यों इसकी उसकी डेथ हुई, इसकी ये जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जैसा कि अभी तक देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है, परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, जबकि मारपीट की घटना, झगड़े की घटना जो हुई थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। और इस बाबत एक तरफ से अस्पताल प्रशासन ये आरोप लगा रहा है कि राजेश सोनी के मौत के बाद बौखलाए हुए परिजनों ने उन पर अटैक किया, उनके साथ मारपीट की, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से वाकई लापरवाही की गई होगी और उसके बाद परिजन भड़क गए होंगे और ये झगड़े की घटना जो है उसके बाद हुई होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों बिंदुओं से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। योगेंद्र कुमार के साथ मैं अभिजीत ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर